मॉर्निंग महिमा नायक महिम फातिमा वंशिका चलो शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। क्लियरली विजिबल है क्या? प्रतीक क्लियरली विजिबल है क्या? सबको विजिबल है क्या? ओके चलो शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप के रिलेटिव मोशन में बात कर रहा था, एक फ्रेम होगी मूविंग। कल का ये कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेम होगी मूविंग। फ्रेम कैसी होगी? मूविंग होगी। और इस फ्रेम को कौन देखेगा? ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर इसको देख रहा होगा, फ्रेम को देख रहा है। और फ्रेम के अंदर में एक मैन है, एक रनर है। फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑब्जर्वर क्या देख रहा? ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये रन कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में रन कर सकता है, और ये भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो फ्रेम की भी एक स्पीड आती है और एक मैन की भी स्पीड आती है, बॉडी की भी स्पीड आती है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर ये ग्राउंड ऑब्जर्वर किसकी स्पीड को देख रहा है? फ्रेम की स्पीड को। जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेन की स्पीड को देख रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा पैसेंजर दौड़ते हुए पैसेंजर को देख रहा है। तो दौड़ते हुए पैसेंजर की स्पीड प्लेटफॉर्म वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, है ना? ये चीज़ है। तो इनका रिजल्ट ये निकला था। रिजल्ट क्या निकला था? कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट ये बताता है कि किसी फ्रेम के अंदर में जो बॉडी मूव कर रही है ना, फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर उसकी स्पीड निकालना चाहे ये, तो वो क्या होगा? वेक्टोरियल समेशन होगा। मीन्स अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फ्रेम की स्पीड जो ग्राउंड से देखने पे आती है, बॉडी की स्पीड जो फ्रेम से देखने पे आती है, उन दोनों को क्या कर दो? उन दोनों का वेक्टोरियल एडिशन कर दो, तो वो आ जाएगी बॉडी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इस पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी किया था। इसमें इस कंडीशन में जो केस वन है, इस कंडीशन की जो पहला केस है वो ये है, कल ही हम लोगों ने कर रखा है, फ्रेम एंड बॉडी
मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूविंग हो, सेम डायरेक्शन में मूविंग हो। हमें वेक्टर सम करने और कुछ करना ही नहीं है। क्या है? सेम डायरेक्शन में मूविंग है। अफनान सिद्दीकी, गुड मॉर्निंग। सेम डायरेक्शन में मूविंग हो तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। कल ही हम लोगों ने इसका रिजल्ट भी देखा था कि मान लो एक ट्रेन जा रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, या कोई बस जा रही है और बस के अंदर पैसेंजर दौड़ रहा, या बस के अंदर ना बॉल को थ्रो कर दिया, या ट्रेन के अंदर बेबी रन कर रहा एक साइड से दूसरे साइड, एक बोगी से दूसरी बोगी, तो उस कंडीशन में क्या होगी? अगर मान लो कोई फ्रेम है, ये केस कहता है कि मान लो फ्रेम इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स में जा रहा, और कोई बॉडी फ्रेम में जा रहा है, बॉडी की स्पीड है बी वी, कौन देख रहा है? फ्रेम वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, फ्रेम वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि स्पीड बी वी है। तो इस बॉडी की स्पीड कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? तो ये जो बॉडी है, बॉडी की जो स्पीड होगी ना, जो रियल स्पीड होगी जो ग्राउंड से ऑब्जर्व करी जाएगी, दैट विल बी नथिंग बट द वेक्टर सम। वेक्टर सम तो आता है ना, देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर है वी वी और दूसरा वेक्टर है वी एफ, दोनों को जोड़ना है, दोनों को देखो सेम ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर ऐड होते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाती है? वी बी प्लस वी एफ, वी बी प्लस वी एफ, सेम डायरेक्शन में क्या हो गई? ऐड हो गई। सेम डायरेक्शन में क्या हो गई? ऐड हो गई। जबकि इससे पहले वाला जो केस लेते हैं ना, दो बॉडी अर्थ सरफेस पे मूविंग होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो रिलेटिव स्पीड आती है वो वी वन माइनस वी टू सब्ट्रैक्ट होकर के आती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? ऐड हो रही है। इसी का अपोजिट केस ले सकते हो कि नहीं? मान लो अगर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग हो, किधर मूविंग हो? अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग हो, फ्रेम एंड बॉडी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्रेम एंड बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो जल्दी से बताओ क्या करोगे? शुभम पाल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू शुभम पाल? अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूविंग हो, ये फ्रेम रहा, फ्रेम की स्पीड कितनी है? फ्रेम की स्पीड है, ये फ्रेम है और फ्रेम की स्पीड है वी एफ, वी एफ, और मान लो इसके अंदर एक बॉल को है ना, ये वाला ऑब्जर्वर देख, ये जो ऑब्जर्वर है ये इसने क्या किया? एक बॉल को थ्रो किया, इसने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को थ्रो किया जिस बॉल की स्पीड है वी बी, तो ग्राउंड पे बैठा मैन इस बॉल की स्पीड को क्या देखेगा? इस बॉल की या इस बॉडी की स्पीड क्या देखेगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी इस केस में, जल्दी से बताओ? वेलोसिटी बॉडी की कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है वेक्टर सम करने, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा वी एफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में वी बी है, तो दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हैं कि नहीं? ये 10 है मान लो, अगर ये 3 है तो 10 माइनस 3 7 हो गई, 10 माइनस 3 क्या हो गई? 7 हो गई। इस तरीके से तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी? जो बॉडी की वेलोसिटी आएगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, और रिजल्टेंट आपको दिख रहा है, अगर फ्रेम की स्पीड ज़्यादा है तो वी एफ माइनस वी बी हो जाएगी, फ्रेम की स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी? वी एफ माइनस वी बी।
ऐसे समझ लो ना, ट्रेन अगर जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैन सेम डायरेक्शन में दौड़े तो 80 प्लस 10 हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े तो 80 माइनस 10 हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से फ्रेम के अंदर मूविंग बॉडी को एक्सप्लेन की जाती है। फ्रेम के अंदर मूविंग बॉडी को कैसे एक्सप्लेन की जाती है? मोहम्मद माज, गुड मॉर्निंग। आ गई होगी बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में? बात अगर आ गई समझ में तो एक क्वेश्चन कर लेते, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट जेई जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, सारे बुक्स में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है समझना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा समझना। क्वेश्चन यह है, इसी दो कॉन्सेप्ट पे पहले लेते हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से ना दो मोटर लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, मोटर क्या करता है इसको रोटेट करता है, और यहाँ पे लगा हुआ कन्वेयर बेल्ट है ना, यहाँ पे सामान रख देते हो तो ये बेल्ट मूव करके इसको यहाँ तक ले जाता है, उस टाइप का बेल्ट है ना। तो ये एक कन्वेयर बेल्ट है, जो बेल्ट क्या हो रही है, ये आगे बढ़ रही है, इधर से आ रही है, समझ में बात आ गई होगी, ये कन्वेयर बेल्ट। अब क्या कह रहा है देखो, कहता है कि कोई भी बॉडी को रख दिया, जैसे समोसा को रख दो, ये समोसे को रख दिया यहाँ, और ये वाली लेंथ तो फिक्स्ड ही आपको मालूम है, समोसे को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे एक आदमी है उसको इसे लेना है ना, इसको लेना है, समोसे को ले लेना है। तो ये जो आदमी समोसे को ले रहा है ना, वो T1 टाइम में ले रहा है, कितने टाइम में समोसा ले रहा है, T1 टाइम में, T1 टाइम में ये वाली समोसा इसके पास चली जाती है। कैसे चली जाती है, कन्वेयर बेल्ट किसी स्पीड से जा रहा होगा, उसी स्पीड से समोसा भी जा रहा है, इसको मिल गया। पहली सिचुएशन समझ में आ गई, पहली सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरी सिचुएशन यह है कि अगर एक कोई वेटर हो और वो अच्छे से थाली में सजा करके समोसे को ले जाए तो इसकी भी कुछ स्पीड होगी, और इतना ही यहीं पे सेम पोजीशन पे है, कन्वेयर बेल्ट का यूज ना करके ये क्या कर रहा है, प्लेट में जा करके उसको दे रहा है, सेमी डिस्टेंस है लेकिन स्पीड अलग अलग है सबका, या सेम ही जो भी है, लेकिन जब ये मैन या ये यहाँ तक आकर के इसे दे रहा है तो इसे कितने समय में समोसा मिल रहा है, इसको मिलने का समय हो गया है T2, कितने समय में अब समोसा मिल रहा है T2, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेयर बेल्ट का स्पीड अलग होगा और ये मैन या वेटर जो ले जा कर के दे रहा है समोसा, इस वेटर की स्पीड इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से थोड़ी सी डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट है,
तो इसको कितना समय लगा, ये टी वन है और ये टी टू है, ये सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन फर्स्ट, दिस वन इज सिचुएशन सेकेंड, और एक और सिचुएशन है थर्ड सिचुएशन। इसको आप समझना, अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्लियरली आप आंसर कर पाओगे। चलो देखते हैं सिचुएशन थर्ड क्या है, सिचुएशन थर्ड क्या है, सिचुएशन थर्ड में ये आदमी क्या किया, उसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चढ़ गया, उसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चढ़ गया है, उसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर प्लेट लेकर के चढ़ गया, समोसा भी रखा है, और ये जितना स्पीड से यहाँ पे मान लो ये स्पीड V1 होगा, कन्वेयर बेल्ट तो V1 से ही चलेगा, और इसकी जो भी अपनी जाने की स्पीड होगी उसी स्पीड से नॉर्मली जा रहा है। अब ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट तो आगे बढ़ ही रही है, साथ साथ ये वेटर भी आगे जैसा मोशन यहाँ पे कर रहा था उसी वे में बेल्ट पे मूव करता हुआ जा रहा है, बेल्ट तो आगे जा ही रहा, मूविंग बेल्ट पे ये मूव करता हुआ जा रहा है। अब इस बुकर मैन को, जिसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगा है समोसे का, उसको टी टाइम में समोसा मिलना शुरू हो गया है। कितने टाइम में समोसा मिलना शुरू हो गया, कितने टाइम में समोसा मिलना शुरू हो गया, टी टाइम में मिलना शुरू हो गया, कितने टाइम में, टी टाइम में मिलना शुरू हो गया। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन T1, T2 और T में रिलेशन फाइंड करना है। T1, T2 और T में क्या फाइंड करने रिलेशन फाइंड करने। जल्दी से बताओ रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन आ गई समझ में क्या है, आपको जल्दी से बताना है T1, T2 और T में क्या रिलेशन है। T1, T2 और T में क्या रिलेशन है जल्दी से बताओ। चलो ट्राई करते हैं, देखना आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेता हूँ इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है V1 और इस मैन की स्पीड है V2। कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कितनी है यहाँ पे, V1 है, और मैन की स्पीड कितनी है, V2 है। अभी आपको बताया रिलेटिव मोशन, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट एक मूविंग फ्रेम है, इस मूविंग फ्रेम पे ये बॉडी मूव कर रहा, ये वेटर समोसे के साथ मूव कर रहा, तो इसकी टोटल स्पीड कितनी होगी जल्दी से बताओ। इसकी टोटल स्पीड हो जाएगी, अभी बताया था फ्रेम, कोई भी सिस्टम मूव कर रहा हो और उस पर कोई बॉडी मूव करे तो वेक्टोरियल समेशन हो जाती है। देखो डायरेक्शन सेम है तो स्पीड हो जाएगी V1 + V2। अच्छा देखो, हर कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम चल रहा है ना, मान लो कि डिस्टेंस एस कवर किया है, तो डिस्टेंस तो तीनों में कॉमन ही है, डिस्टेंस तीनों में क्या है, कॉमन है। अफनान सिद्दीकी, ट्राई अगेन, तीनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बना सकते हो, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनाओगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो लिखोगे।
टी वन है टाइम, इसमें डिस्टेंस स्पीड टाइम क्या रिलेशन लिखोगे? एस इक्वल्स टू वी टू टी टू, और इसमें क्या लिखोगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखोगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो लिखोगे नहीं? यही लिखेंगे ना। थर्ड से क्या लिखेंगे डिस्टेंस को? थर्ड से लिखी जाएगी वी वन प्लस वी टू मल्टीप्लाई टी। अब वी वन वी टू और एस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसको हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से वी वन का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो वी वन हो जाएगी एस ओवर टी वन होगी कि नहीं होगी यहाँ से? और यहाँ से अगर वी टू निकालना है तो वी टू हो जाएगी एस ओवर टी टू, और यहाँ पे रख दो वी वन वी टू, दिख रहा है? रख दो। तो वी वन को यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो वी वन क्या हो जाएगी? एस ओवर टी वन। वी टू की वैल्यू यहाँ रख दो, एस ओवर टी टू मल्टीप्लाई क्या हो गई? टी। दिख रहा है कॉमन एस? दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो एस ही तो है। एस कॉमन लेंगे तो क्या आएगी? वन ओवर टी वन प्लस वन ओवर टी टू मल्टीप्लाई टी। एस एस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड हो गए, वन ओवर टी हो जाएगी वन ओवर टी वन प्लस वन ओवर टी टू, और जो टी की वैल्यू है दैट कमिंग आउट टू बी टी वन टी टू ओवर टी वन प्लस टी टू, ये आ जाती है, ये आ जाती है। किसी बंदे को नहीं समझ में आए तो जल्दी से बताओ। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया समझ में? चलो, क्वेश्चन अगर समझ में आ गए होंगे, आंसर समझ में आ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसी से रिलेटेड मैं दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ। ओके अफनान सिद्दीकी, क्लियर है? सेम टाइप के क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके दी जा सकती है। कैसे क्वेश्चन दी जा सकती है समझो, सेम क्वेश्चन को लैंग्वेज इस तरीके से चेंज करके दी जा सकती है। कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल्टर है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल्टर इस तरीके से लगा हुआ है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में थ्री सिचुएशन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? थ्री सिचुएशन। पहला सिचुएशन कहता है, पहला सिचुएशन स्केल्टर रुकी हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्केल्टर मोटर से चलती है वो रुकी हुई है, और आदमी खुद से चलता हुआ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आता है, और आने में कितना समय लगा? आने में समय लगा टी वन। दूसरा सिचुएशन, आदमी ना चले, पैसेंजर ना चले, वो केवल इस पे आके खड़ा हो जाए, एस्केलेटर इसको खुद से ले जाएगा, है ना, खुद से लिफ्ट करके इसको ले जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन में इसको समय लगता है टी टू। अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर भी मूव कर रहा और ये मैन भी मूव कर रहा, ये पैसेंजर भी अपना स्टेप्स आगे बढ़ा रहा,
और उस सिचुएशन में टाइम लगता है, सिचुएशन में टाइम कितना लगा, टी। तो फिर से सेम क्वेश्चन में बोली जा सकती है रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी, क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी क्या? पहले केवल स्केलेटर मूविंग थी, पहले क्या थी, अगर ये स्केलेटर नहीं चल रही है तो आदमी खुद से जा रहा है, अपने स्पीड से जा रहा है। अब मैन नहीं जा रहा, मैन मूविंग नहीं है, स्केलेटर मूविंग है। एंड थर्ड सिचुएशन इज मैन एंड स्केलेटर बोथ आर मूविंग, और अलग अलग टाइम दी गई है, तो टाइम का रिलेशन अगेन ये आ जाएगी क्या, सेम ही सिचुएशन है टी वन टी टू ओवर टी वन प्लस टी टू, ये रिलेशन आ जाएगी, ये रिलेशन आ जाएगी अगेन, है ना। तो क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। यहां तक आ गई बात समझ में? एक और क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, स्केलेटर दिख रही है, स्केलेटर इस वे में मूविंग है, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है जिसे नीचे आना है, यहाँ पे एक पैसेंजर है जिसको क्या आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, तो क्या करेगा? ये थ्री सिचुएशन दे रहा हूँ, थ्री सिचुएशन दे रहा हूँ। सिचुएशन वन क्या है, एस्केलेटर क्या है, रेस्ट में, और मैन क्या है, मैन मूविंग है, और इसीलिए टाइम कितना लगा है, टी वन। सिचुएशन वन समझ में आ गई। सिचुएशन टू क्वेश्चन में क्या है, एस्केलेटर ओनली मूविंग, एस्केलेटर एस्केलेटर मूविंग है, और एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में मैन क्या है, मैन केवल खड़ा है उस पर, रेस्ट में रिलेटिवली, और इसलिए टाइम कितना लगा, टी टू टाइम लगा है। थर्ड सिचुएशन ये है, थर्ड सिचुएशन ये है कि एस्केलेटर मूव कर रही है इस वे में, एस्केलेटर ऐसे जा रही है, एस्केलेटर की मूवमेंट है इधर, है ना, ऐसे लिफ्ट करती है इस तरीके से, एस्केलेटर की मूवमेंट, एस्केलेटर, एस्केलेटर इज मूविंग टूवर्ड पैसेंजर, मूविंग टूवर्ड पैसेंजर एंड पैसेंजर कमिंग डाउन, पैसेंजर कमिंग डाउन, और इस केस में टाइम लग रहा है टी। तो टी वन टी टू और टी में रिलेशन बताएंगे, रिलेट करेंगे, क्या रिलेट करना है, टी टी वन एंड टी टू, इनको रिलेट करके आप बताओ, जल्दी से जरा रिलेट करके बताओ, रिलेट करके बताएंगे कितना टी टी वन टी टू में क्या रिलेशन अब होगा, टी टी वन टी टू में क्या रिलेशन होगा। मैंने जो सॉल्व किया अगर उस पर ध्यान होगा तो बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। मैंने जो अभी अभी सॉल्व किया था उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विद इन अ सेकेंड आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताएंगे। रिस्पॉन्स बहुत ही वीक है, पुअर रिस्पॉन्स है आप लोगों का, इससे वर्स रिस्पॉन्स नहीं हो सकता।
जल्दी से आंसर करेंगे। चलो मैं ही बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग केवल देखोगे, फिजिक्स देखने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। एक भी बंदे ने आंसर नहीं दिया। क्या होगी रिलेशन टी टी वन टी टू की? टी टी वन एंड टी टू की रिलेशन क्या होगी? प्रतीक, शुभम, पाल, कहाँ सो गए हो बेटा? आंसर नहीं कर रहे हो। वंशिका, अफनान सिद्दीकी, मोहम्मद मास, महीन फातिमा, महिमा नायर, अफनान सिद्दीकी का आंसर पहले वाला ही आया है। चलो करते हैं, सेम सिचुएशन है, बस एक सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन वन में क्या है, देखो मैन मूविंग है, तो मैन की स्पीड अगर वी वन है तो डिस्टेंस हो जाएगी वी वन टी वन, होगी कि नहीं होगी? सिचुएशन सेकंड की अगर बात करो तो सेम डिस्टेंस एस्केलेटर कवर कर रहा है वी टू स्पीड से, लेकिन क्योंकि एस्केलेटर और पैसेंजर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, तो मैन की स्पीड एस्केलेटर, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, मैन नीचे आ रहा है। एस्केलेटर किधर जा रहा है? एस्केलेटर जा रहा है ऊपर, मैन जा रहा नीचे, तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, और वेक्टर समेशन में क्या होगी, माइनस की साइन वहाँ पे दिखेगी, और नीचे आना है तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ यानी जो कि एस्केलेटर की स्पीड है बी टू, पैसेंजर की स्पीड है वी वन, ये हो गई ओवरऑल स्पीड ऑफ द पैसेंजर, और डिस्टेंस जो होगी दैट इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। पहले और इस वाले सिचुएशन में एक ही तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि पहले इनिशियल सिचुएशन में पैसेंजर और एस्केलेटर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था, और इस कंडीशन में रिलेशन आया था 1/t = 1/t1 + 1/t2, सेम डायरेक्शन में आया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है, तो अगर आप वैल्यू रख दो v2 की वैल्यू यहाँ से रखो तो s/t2, v1 की वैल्यू यहाँ से रखो तो s/t1 मल्टीप्लाई टी, देखो एस कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो गई, टी को डिवाइड करो तो 1/t = 1/t2 - 1/t1, डिफरेंट आती है, क्या आती है, डिफरेंट आती है। ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट मिस्टेक जनरली करते हैं। हमेशा क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करके कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते चलो, जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो टीचर्स की हेल्प लो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करनी नहीं है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो टी की वैल्यू आ जाती है t1 t2 over t1 - t2, ये आ जाती है, और पहले वाले सिचुएशन में क्या आई थी, t1 t2 over t1 + t2, ये आ रही थी, ये आ रही थी। समझ गए होगे बात, कैसे हमें रिलेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। फ्रेम अगर मूविंग हो तो मूविंग फ्रेम में अगर बॉडी मूव कर रही हो तो इस वे में आपको कैलकुलेशन करनी है,
अब मैं फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ, केस थर्ड ले रहा हूँ। केस थर्ड में क्या है? यस, अफनान सिद्दीकी, शुभम पाल। अब सही है आंसर, अब जा कर के आंसर सही है। पहले आंसर दिया करो, इतने समय में तो पूरे एग्जाम ही खत्म हो जाएंगे, फिर आंसर देने का क्या फायदा है? आंसर तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद 5 से 10 सेकेंड मैक्सिमम, यू हैव 5 to 10 सेकेंड इन माय क्लास। 5 से 10 सेकेंड में अगर आंसर करोगे क्लास में, तभी जाके टॉप रैंकिंग अचीव होगी एग्ज़ाम में। नीट और जेई के एग्ज़ाम में टॉप रैंकिंग अगर लाना चाहते हो तो विद इन 5 to 10 सेकेंड आपको बताने, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें छोड़ता नहीं हूँ, मिस नहीं करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट बताए उसी पे बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ी सी वेरिएशन दिखेगी। चलो थर्ड सिचुएशन लेते हैं, थर्ड केस लेता हूँ। थर्ड केस क्या है? अब हमारा फ्रेम बदल चुका है, या मान लो वही फ्रेम रख रहा हूँ और आपको ये बताना है। ओके अफनान सिद्दीकी, सिल्ली जो भी मिस्टेक्स हैं वो यही कर लो प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि एग्जाम में करना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट ही समझ लो। ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट एंड अ पैसेंजर सीज अ पैरोट flying due north, then find real direction of motion of parrot। सेमी फ्रेम के अंदर वाला ऑब्जर्वर देख रहा है किसी बॉडी को और उसकी एक्चुअल डायरेक्शन आपको बतानी है। फ्रेम के अंदर वाला ऑब्जर्वर किसी बॉडी को मूविंग देख रहा है और आपको बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखी जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्या होगी डायरेक्शन, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी डायरेक्शन? ईस्ट नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी, क्या होगी? कुछ तो होगी, आपको एक्चुअल डायरेक्शन बताने। ऑप्शन देता हूँ चलो ऑप्शंस दे रहा हूँ इन बिटवीन ईस्ट नॉर्थ, इन बिटवीन वेस्ट नॉर्थ, इन बिटवीन वेस्ट साउथ, इन बिटवीन ईस्ट साउथ। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नॉर्थ ईस्ट, अफनान सिद्दीकी, नॉर्थ ईस्ट। फटाफट ट्राई करो,
क्या होगी डायरेक्शन, जल्दी से बताओ। अभी मैं क्या बताया, अभी मैं क्या बोला कि अगर मूविंग फ्रेम के अंदर से ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देख रहा हो तो उसकी जो रियल मूवमेंट होगी वो वेक्टोरियल समेशन होगी। तो जो वेलोसिटी पैरोट की होगी वो तो वेक्टर सम होगी। किसकी वेक्टर सम किसकी होगी, वेलोसिटी ट्रेन की प्लस वेलोसिटी पैरोट की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। हमेशा पता है कि जो रियल मोशन होगी गिवन इंफॉर्मेशन की वेक्टोरियल समेशन होगी। अब वेक्टर सम आता है ना, ट्रेन का डायरेक्शन देखो, ट्रेन तो ईस्ट में जा रही है, ये है ईस्ट, और ट्रेन ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी ट्रेन की ईस्ट के डायरेक्शन में। पैरोट की ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड किधर है, इस तरफ है, यही तो है, दिस इज द पैरोट, ये है नॉर्थ के डायरेक्शन में पैरोट की स्पीड जो ट्रेन से देखी जा रही। अब इन दोनों का वेक्टर सम नहीं आता है, इन दोनों का वेक्टर सम यही तो होगा रियल में। अभी डिपेंड करेगा कौन सा वेलोसिटी ग्रेटर है, अगर दोनों इक्वल है तो बीच से जाएगा, ये ग्रेटर है तो इधर से जाएगा, ये ग्रेटर है इधर से जाएगा, लेकिन होगा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ही कहीं, है ना। तो ईस्ट और नॉर्थ वाला डायरेक्शन करेक्ट है, ईस्ट एंड नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अफनान सिद्दीकी ने करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन हो जाएगी इस टाइप की क्वेश्चन, यस शुभम पाल, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके अफनान, क्लियर, ये बात आ गई समझ में। आज की क्लास में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट 4 या केस 4। अब हमारे पास जो फ्रेम है वो है रिवर, रिवर की, रिवर, रिवर वाटर, रिवर वाटर क्या है, हमारा फ्रेम है। और बॉडी कौन है, बॉडी है बोट, स्विमर, बोट या स्विमर हमारा होगा बॉडी, बोट या स्विमर क्या होगा, बॉडी होगा। अब आगे के केस में, अब आगे के केस में मूविंग फ्रेम, जो मूविंग फ्रेम के अंदर बॉडी मूव कर रही थी, उस मूविंग फ्रेम, ये जो मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम कौन सी होगी, रिवर में जो वाटर फ्लो कर रही होगी, दैट फ्लोइंग वाटर इज आवर फ्रेम। और उस फ्लोइंग वाटर में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो हो जाएगी मूविंग फ्रेम की के अंदर मूविंग बॉडी, है ना। इसमें क्या करनी है, एक सिंपलेस्ट सिचुएशन लेता हूँ सबसे पहले, इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट जेई में। और देखो ये इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है वी आर स्पीड,
स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज विया, स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज विया, है ना। और एक स्विमर है, एक स्विमर है और ये अपना भी एक स्पीड लगा रहा है। क्या स्पीड है इसका? स्पीड है वी एस। स्विमर का स्पीड क्या है? वी एस। स्विमर का स्पीड क्या है? वी एस। स्विमर के खुद का स्पीड है वी एस। रिवर वाटर की स्पीड क्या है? वी आर। स्विमर की स्पीड क्या है? वी एस। स्विमर की स्पीड वी एस किसके रिस्पेक्ट में है? स्विमर की ये स्पीड है वाटर के रिस्पेक्ट में। एक मैन रेस्ट, ट्रेन अगर रुकी हो उसके अंदर जितना फास्ट दौड़ सकता है, ट्रेन चल रही हो तो भी उतना फास्ट दौड़ सकता है, कैपेसिटी हमेशा मेंटेन रहती है। और इन सारे सिचुएशन में कन्फ्यूजन से बचने का यही तरीका है कि आप ऐसा समझो ना कि मैन ग्राउंड पे बी एस स्पीड से, या स्विमर ग्राउंड पे, या वाटर रुकी हुई होती तो उस रुकी हुई वाटर में, स्टेशनरी वाटर में कितने स्पीड से स्विम करता? वी एस से। तो मूविंग वाटर उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मूविंग वाटर एक फ्रेम है, जैसे मूविंग ट्रेन, ट्रेन के अंदर के आदमी को, पैसेंजर को दौड़ने में क्या करता है? बाहर से देखने पे एडिशनल इफेक्ट जनरेट करता है, लेकिन अंदर वाले पैसेंजर के लिए क्या होती है? नो चेंज होती है। तो यहाँ पे फ्रेम हो गई रिवर वाटर और स्विमर हो गई उस फ्रेम के अंदर की बॉडी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोली जाए, क्वेश्चन में बोली जाए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। तो अभी बताया है कि फ्रेम मूव कर रही हो और फ्रेम के अंदर बॉडी मूव कर रही हो, तो वेक्टर सम करने हैं, कुछ दूसरा देखना ही नहीं। स्विमर की स्पीड हो गई वी एस, रिवर की स्पीड हो गई वी आर, दोनों को ऐड करना है। डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर एडिशन जानते हो दोनों को, तो वी एस आर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर के रिस्पेक्ट में तो ये दिया ही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी वी एस प्लस वी आर। ऐसे समझ लो ना, आप ऐसे समझ लो कि अगर किनारे रिवर बैंक के पास कोई आदमी खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर है, तो इसकी स्पीड कितना देखेगा? स्विमर का स्पीड कितना देखेगा? वो देखेगा ये वी एस प्लस वी आर। और जब भी रिवर वाटर फ्लो के डायरेक्शन में स्विमर की मूवमेंट होती है, देन दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाती है? डाउन स्ट्रीम कहलाती है, डाउन स्ट्रीम। रिवर वाटर फ्लो के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है, देन दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड एक्चुअल देखनी हो किस स्पीड से स्विमर या बोट एक मूव कर रहा होगा, तो उसको आपको ऐड करना होगा। या सिंपल सेंस में अगर ये सोचो कि स्विमर तो अपना एड पावर जनरेट कर ही रहा है और उसे हेल्प कौन कर रहा है? रिवर हेल्प कर रहा है। जैसे पैसेंजर ट्रेन में जाकर के खड़ा हो जाए तब भी ट्रेन के स्पीड से चलता है ना, उसी तरीके से मूविंग वाटर में अगर कोई स्विमर जाकर के खड़ा भी हो जाएगा तो वो रिवर के स्पीड से चलेगा, रिवर वाटर के स्पीड से चलेगा। सेम सिचुएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे ये स्पीड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्विमर या बोट की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है
डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। स्विमर की स्पीड, स्विमर की जो स्पीड होगी वो रिवर वाटर की स्पीड से ऐड हो जाएगी। रिवर वाटर की स्पीड से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये होगी टोटल स्पीड ऑफ द स्विमर। स्विमर की जो स्पीड होगी रिवर वाटर से ऐड हो जाएगी, और वो कौन सा स्पीड होगा, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम में या किनारे से देखने पे जो स्पीड दिखेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड रिवर और स्विमर की अगर डायरेक्शन डिफरेंस हो, दोनों में डिफरेंस है, रिवर फ्लो ये है, रिवर फ्लो की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वाटर की फ्लो हो रही है, और स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्विमर की जो मूवमेंट है, स्विमर की जो मूवमेंट है वो इधर है। अब देखो स्विमर का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो ये है ना ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये फ्लो के डायरेक्शन में नीचे ही जाएगा। तो जब भी स्विमर रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करने की टेंडेंसी रखता हो, देन दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। इसको क्या बोली जाएगी, अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम तभी सक्सेसफुल होगी जब ये जो वी एस है उसकी वैल्यू ग्रेटर हो, स्विमर की स्पीड रिवर से ग्रेटर हो, तभी ये अप स्ट्रीम में जा पाएगा, अदरवाइज अगेन ये डाउन स्ट्रीम में ही मूव करेगा। तो ये ग्रेटर है और ये लेसर वैल्यू का है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको पता है स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम में, यस डाउन में ऐड हो जानी है, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जानी है। ये चीज़ें तो मुझे लगता है मैथ में भी पढ़े होंगे, नहीं मैथ में भी पढ़े होंगे, ये तो 9th क्लास के मैथ में भी ये चीज़ें दी जाती है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। चलो तो इस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी स्विमर की, स्विमर की स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्विमर की स्पीड में रिवर वाटर की स्पीड को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिवर वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल याद रखना है, मेमोराइज करके रखने कि डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है, स्विमर प्लस रिवर की स्पीड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में स्विमर की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, सिंपल सेंस में ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, इसी केस को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।